ओम शांति। 1/6/2020 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया तो निश्चय तो होगा कि हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सोचता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलता है। कोई तो स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है? बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं? पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं? वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे, अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं? सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों से नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन?
एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो, अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हैविन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भपके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या फायदा, तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आए हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते, ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे, बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं, बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं, जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बातें समझाते हैं, बाप को और 84 के चक्रों को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है, अपने दिल से पूछो कहां तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां सोया हुआ हूं, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है फिर स्वर्ग होगा, चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है, सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था,
अब फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं ये खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं, इन आंखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे, यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े हुए थे, बाप किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं, मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही फिर बनेंगे मकान? जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे, वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े अब 5000 वर्ष हुए हैं, जिनको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवा बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो यह चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे,
साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप हो। विस्तार है वरदान का, गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले जाती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति।